पंजाब के डीजीपी सुरेश अरोड़ा के मुताबिक पंजाब में गैंगस्टर्स, नशा और विदेशों में बैठे रेडिकल ग्रुप पंजाब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। डीजीपी अरोड़ा ने कहा कि हालांकि पंजाब पुलिस इन्हें खत्म करने में लगी हुई है और जल्द ही इस काम को अंजाम दिया जाएगा। डीजीपी अरोड़ा ने कहा कि पंजाब में अभी भी 10 से 15 बड़े गैंग सक्रिय हैं और पंजाब पुलिस उन्हें पकड़ने में लगी हुई है। डीजीपी अरोड़ा आज बलाचौर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की। ये सारी गल खती है कि भी आ तीन समस्या साढ़े सामने पंजाब पुलिस दे है कि हैं, ड्रग्स दी है कि, क्रिमिनल गैंग्स दी है कि, ते इधर नाल है कि अपना जड़े बाहर बैठे हैं रेडिकल्स वगैरह वो पूरे किवें टेररिज्म नू स्पॉन्सर करके चार पैसे दे के भटकाने की कोशिश करते हैं। तो ये चुनौती है ही है साढ़े सामने।